Hey students, welcome back to our channel. Today we'll start electrostates, potential and capacitance, chapter 2, class 12. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या है, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्या है और ड्यू टू डाइपोल क्या है. जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखा था लास्ट चैप्टर में कि पॉइंट चार्ज की वजह से अलग है, लाइन चार्ज की वजह से अलग है, सरफेस की वजह से अलग है, वॉल्यूम की वजह से अलग है. सिमिलरली यहाँ पर हम देखेंगे पोटेंशियल के बारे में, वही सारी चीज़ें, वही सारा प्रोसीजर फॉलो करेंगे. वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया था, यहाँ पोटेंशियल के लिए करेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी, नाउ इसको साइंटिफिक टर्म में स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक जनरल पार्ट डिस्कस करते हैं. जैसे हम कहते हैं ना कि किसी में पोटेंशियल है, तो हम नॉर्मली पोटेंशियल किस टर्म में बोलते हैं, दैट यस यू कैन डू इट, यू हैव द पोटेंशियल. तो पोटेंशियल मतलब एबिलिटी टू डू वर्क. अगर हम नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं पोटेंशियल, दैट यू हैव पोटेंशियल, तो इसका मतलब आप में क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क. उसी का वाइस वर्सा ये है कि अगर पोटेंशियल होने से एबिलिटी टू वर्क आती है, तो वर्क करने से पोटेंशियल डेवलप होता है. ठीक है, इसका सेकेंड लेवल, जैसे क्लास 11th में आपने इस तरह के बहुत न्यूमेरिकल किए हैं कि किसी चीज को अगर आप हाइट पे लेके जा रहे हो, तो जितना ज्यादा आप उसको हाइट पे लेके जा रहे हो, उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है. क्यों? क्योंकि आप जितना ज्यादा हाइट पे लेके जा रहे हो, उतना ही आप ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो. जितना आप वर्क करोगे, जितना वर्क आप करोगे, उतना ज्यादा पोटेंशियल डेवलप होगा. ठीक है, इन दोनों कंसेप्ट को अब रिलेट करेंगे अपने इस 12th के चैप्टर के कंसेप्ट से, जिसमें हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क नहीं करेंगे, बल्कि इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे. तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक चार्ज लेंगे कैपिटल क्यू. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज अपने चारों तरफ एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड डायरेक्शन में होता है. राइट, हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डिस्टेंस के साथ कैसी रिलेशन होल्ड करता है. डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, 1/r² से रिड्यूस होता है. अब अगर यहां पर कोई टेस्ट चार्ज क्यू रखा है, व्हाई आई एम सेइंग टेस्ट चार्ज, बिकॉज मैं इस चार्ज को इतना बड़ा नहीं लेना चाहती कि उसकी वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब हो, इसलिए हम इसको टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं. दैट इज, इसका अमाउंट जो है वो नेग्लिजिबल है. पॉइंट क्लियर? नेग्लिजिबल क्यों? क्योंकि अगर इसको भी मैंने कोई बड़ा चार्ज लिया होता, तो इसका अपना भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरफेयर करता, तो हमें एग्जैक्ट इसका जो इफेक्ट चाहिए वो नहीं मिल पाता. अभी हम सिर्फ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना चाहते हैं, तो हमने ये वाला चार्ज इतना छोटा लिया है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निग्लिजिबल होगा. ये निग्लिजिबल अमाउंट का चार्ज है, जिसे हम टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं. राइट, इस चार्ज को लेट से ये पॉइंट पी पर रखा हुआ है, और हम इसे पॉइंट क्यू पर लाना चाहते हैं. ये पूरी की पूरी डिस्टेंस जो है, ये आर हमने अज्यूम कर ली, और इस पे मैं एक छोटी सी डिस्टेंस को मार्क करती हूं डी आर से. जब भी हम कोई छोटी डिस्टेंस लेते हैं, तो हम उसको डी आर से रिप्रेजेंट करते हैं. डी आर या डी एल, ये आप बहुत इससे फेमिलियर हैं, और आप मैथ्स में भी इस चीज को पढ़ रहे हैं कि छोटा लेंथ, छोटा एरिया कुछ भी है, तो उसको डी से डिनोट करते हैं. ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये जो फोर्स यहां लग रहा है, दिस फोर्स वॉन्ट्स कि ये चार्ज इसकी पेरिफेरी में ना आए, ये उस पर रिपल्शन का फोर्स लगा रहा है. बट हम इस चार्ज को यहां से यहां उठाकर ला रहे हैं. तो जैसे आपने टग ऑफ वॉर देखा है, अगर हमें किसी फोर्स को बैलेंस करना है, हमें अगर यहां आना है, तो इस फोर्स को हमें बैलेंस करना होगा, तभी हम आ पाएंगे. तो हमें क्या लगाना पड़ेगा इस काम को करने के लिए, हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा.
जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो हम थोड़ा सा चार्ज को इस डायरेक्शन में खिसका पाएंगे. लेट से हम थोड़ा सा इसको खिसका पाए, डी आर हमने इसको फोर्स लगा करके खिसकाया. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क. दिस इज अवर वर्क. ये छोटा सा काम हमने किया है डेल्टा डब्ल्यू, छोटा सा काम डेल्टा, वर्क डब्ल्यू. अगर हमने थोड़े से डिस्टेंस से इसको खिसकाया तो हमने थोड़ा सा काम किया है. अगर हम पी से क्यू तक लाने का कंप्लीट काम कैलकुलेट करना चाहते हैं डब्ल्यू पी टू क्यू, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पी से क्यू तक को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. ठीक है, पी से क्यू तक को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो हमारा पी से क्यू तक लाने का वर्क डन कितना हुआ है? ये हुआ है. अब एफ एक्सटर्नल, हमें फोर्स लगाना कितना है? जितना ये अपोज कर रहा है उतना ही हमें सपोर्ट करना है. ये कितना अपोज कर रहा है? ये इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, एफ ई, इलेक्ट्रिक फोर्स. तो हमारा एफ एक्सटर्नल कितना होना चाहिए? बिल्कुल इसी के बराबर होना चाहिए और इसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए. ठीक है, ये इधर लगा रहा है, हमें इधर लगाना है. तो हमारा एफ एक्सटर्नल कितना होना चाहिए? माइनस का एफ ई. इसकी जगह पे अगर हम पुट करें तो ये हो जाएगा वर्क डन पी क्यू इक्वल्स टू पी टू क्यू माइनस एफ ई डॉट डी आर. राइट, अगर हमें कोई टेस्ट चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाना है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा. नाउ वर्क की जो यूनिट है वो क्या है? जूल. एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल. और हमें पता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो अब अगर हमने कुछ काम किया है, कुछ एनर्जी हमने अपनी वेस्ट की है, तो हमारी एनर्जी कहाँ जाएगी? हमारी एनर्जी स्टोर हो जाएगी इस चार्ज की एनर्जी में. तो लेट से यहाँ पे कुछ एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए हमने 11th क्लास में भी उसको U से रिप्रेजेंट किया था. यहाँ पर भी U से रिप्रेजेंट करते हैं. UP यानी P पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी मान लिया, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मान लिया UQ. यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कुछ ज्यादा होगी क्योंकि जो हमने काम किया है वो भी स्टोर हो गई है. तो ये जो डिफरेंस आएगा इसको कैसे डिनोट करेंगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच विल बी इक्वल्स टू UQ माइनस UP. यहाँ पर दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल में कुछ चेंज है, ये ज्यादा है ये कम है, तो चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा U से. और ये चेंज किसके बराबर होगा? जितना हमने काम किया है ये चेंज उसके बराबर होगा. ठीक है, क्या ये हमने किया, इसको समराइज करते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को ला रहे हैं तो वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. वो जो फोर्स लग रहा है एफ ई, उसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट 180 डिग्री हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा टू बैलेंस दोज थिंग्स. और उस फोर्स को लगा करके हम कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे. फोर्स इनटू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन. वर्क इज अ काइंड ऑफ एनर्जी और एनर्जी कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती. तो जो भी हमने वर्क किया है वो एनर्जी के टर्म्स में स्टोर हो जाएगा इस चार्ज में. तो यहाँ पर एनर्जी कुछ और थी, उसमें कुछ एड ऑन एनर्जी हो गई हमारे वर्क करने की वजह से, तो यहाँ एनर्जी अलग हो गई. दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस है, जो डेल्टा यू है, वो इक्वल है हमारे वर्क के. जो वर्क हमने किया वही स्टोर हो गया एनर्जी के टर्म्स में. ठीक है, कन्वर्ट करते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल में. ये नॉर्मल टर्म्स में हमने लिखा, अब इसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल में. इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल, राइट, इसी इक्वेशन से आगे चलते हैं. व्हाट इज एफई? इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल है? चैप्टर वन में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है दैट इज इक्वल्स टू QE. जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था दैट इट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज. तो वहां से FE की वैल्यू कितनी आती है? QE के बराबर आती है.
लेट पुट दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन, तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डॉट डी आर लेट से पी टू क्यू एंड पी क्यू, राइट। क्यू कॉन्स्टेंट है, टेस्ट चार्ज हमारा, उसको बाहर ले लेते हैं, माइनस क्यू पी टू क्यू ई डॉट डी आर। इस q को मैं इस साइड पे ट्रांसफर कर देती हूँ, वर्क डन अपॉन q इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, राइट। यहां से हम डेफिनेशन देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, दिस एक्सप्रेशन विल गिव यू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। V से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, V से रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को। क्या डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसको नोट कर लिया होगा होपफुली आपने, तो मैं यहां पे एक डेफिनेशन लिखती हूँ, पूरा इसी को देख के लिखेंगे हम, या वैसा वैसा कर सकते हैं, एक्सप्रेशन याद है तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, डेफिनेशन याद है तो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज in an uniform electric field to bring the charge from one point to another, right? हमें हम P से Q तक एक टेस्ट चार्ज को लेके गए, तो P से Q तक ले जाने में जो हमने उस चार्ज पर वर्क किया है इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो यहां से अगर हम इसको और ज्यादा क्लियर फॉर्म में लिखना चाहें, इसका तो हमने यूज किया है रिलेशन दिखाने के लिए, डेफिनेशन लिखने के लिए, अगर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ ई, तो क्या हो जाएगा, वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर एन इंटीग्रेशन, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक आपको लेकर जाना है, लेट सपोज आपको ए से बी तक लेकर जाना है, तो ये आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, फाइन, राइट। डेफिनेशन एंड देन फॉर्मूला, क्या रिलेशन है, वी इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। अब अभी तक जितना भी हमने दो एक्सप्रेशन हमने निकाले हैं, इसमें जो हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ये हम रिलेटिव टर्म की बात कर रहे हैं, रिलेटिव मतलब दो पॉइंट के बीच की। लेट सपोज मुझे ए से बी नहीं लेके जाना, मुझे सिर्फ पॉइंट ए है, वहां पे मुझे पोटेंशियल बताना है कि मुझे वी ए बता दो। मुझे बी पे नहीं लेके जाना है, कोई पॉइंट बी मैंने चूज किया और मैंने पूछा वी बी। मैं रिलेटिव नहीं जानना चाहती, मैं एब्सोल्यूट जानना चाहती हूँ। तो एब्सोल्यूट के लिए क्या करेंगे, कोई ना कोई पॉइंट तो होना चाहिए, मतलब अगर यहाँ पर कोई पोटेंशियल, इट मीन्स ये चार्ज कहीं ना कहीं से तो यहाँ आया होगा, कहीं ना कहीं से आया है तो वहां का कुछ पोटेंशियल भी रहा होगा। हम अज्यूम करते हैं कि ये चार्ज यहां पर इनफाइनाइट से आया है, ठीक है, लेट्स सी इसको हम कैसे अज्यूम कर रहे हैं। ये एक चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर जाएंगे कम होता जाएगा। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम इससे इतना दूर चले गए कि ये जीरो हो गया। कितना दूर, इनफाइनाइट पे हम चले गए, तो इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पे बिल्कुल कोई इसका इफेक्ट नहीं है। अगर इनफाइनाइट पे इसका इफेक्ट नहीं है और मैं किसी चार्ज को इनफाइनाइट से मूव करवा के ला रही हूं, तो वहां वर्क भी तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क तो तभी करना पड़ रहा है ना जब हमें इसको कंपनसेट करना है, इसके अगेंस्ट वर्क करना है। तो मान लीजिए मैं इनफाइनाइट से एक पॉइंट को उठा करके, चार्ज को उठा करके पॉइंट ए पर लाई हूं, तो पॉइंट ए का जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल होगा
वी ए माइनस वी इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पे वर्क डन कितना है? जीरो. तो वर्क डन अगर आप, हमने अभी ये निकाला था चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, जब वर्क डन ही जीरो है तो चेंज इन एनर्जी कितना होगा? जीरो. तो ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? वी ए, एब्सोल्यूट पोटेंशियल. यानी कि अगर मुझे किसी पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल चाहिए, कंपैरिजन नहीं चाहिए, तो हम क्या मान के चलते हैं कि वो पॉइंट इनफाइन, वहां पर चार्ज जो है वो इनफाइनाइट से लाया गया है, बिकॉज इनफाइनाइट पे कोई फोर्स नहीं है, कोई वर्क डन नहीं है, तो हम इजीली वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल के लिए वी आर टेकिंग द रेफरेंस इनफाइनाइट. तो ये अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी को देख लिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को देख लिया है, अब हम देख रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. अब आपको इसमें थोड़ा सा कनेक्टिविटी नजर आएगी चैप्टर वन के साथ. अभी तो हमने एक नया टर्म डिफाइन किया है, पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज हमने डिफाइन किया, दैट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर, राइट. अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें तो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू ई इंटू डी, टोटल डिस्टेंस, राइट. अगर ई तो यूनिफॉर्म हम बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, तो अंदर क्या बचा? डी आर का इंटीग्रेशन. और छोटी छोटी लेंथ को अगर आप पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगी? टोटल डिस्टेंस, टोटल आर आपका बन जाएगा. लेट्स से इसको डी नहीं लिख के आर ही लिख देते हैं, बिकॉज हम उसको आर ही ले रहे हैं. ठीक है, तो अगर आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेट करने के बाद आर. ये आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला है. अब इसमें हम ई की वैल्यू पुट करेंगे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर. आई होप यू रिमेंबर. इफ यू डोंट रिमेंबर प्लीज गो टू द वीडियो फर्स्ट चैप्टर. नाउ लेट्स पुट दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन. पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर. This R cancels by this. V equals to KQ by R. Mathematically, potential equals to KQ by R. This sign is for direction purpose only. Now let's plot the graph between V and R. It is simply V is inversely proportional to R. जैसे जैसे distance बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल आपका ड्रॉप करेगा. V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. दिस इज द वोल्टेज ड्यूटी ऑफ पॉइंट चार्ज. कहीं पर भी अगर एक चार्ज रखा है, चार्ज Q, और उसकी वजह से पोटेंशियल, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो सिंपली के क्यू अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड द पॉइंट, राइट. नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल. डायपोल की वजह से पोटेंशियल देखते हैं. इसमें हमें कुछ मैथमेटिकल टर्म्स भी यूज करने पड़ेंगे. डायपोल ड्यू टू, सॉरी, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल. लेट्स ड्रॉ अ डायपोल फर्स्ट. माइनस क्यू, डायपोल क्या होता है? प्लस क्यू और माइनस क्यू का कॉम्बिनेशन, जिसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे 2a कहा जाता है. मिड पॉइंट ये a हो गया और ये हो गया a, राइट. लेट्स से ये एक पॉइंट p है जहां पे हमें पोटेंशियल निकालना है. किसी भी पॉइंट की डायपोल से डिस्टेंस हमेशा उसके मिड पॉइंट से ली जाती है. ये हो गया डिस्टेंस r. ये लेट्स सपोज ये दोनों आपस में थीटा एंगल बनाते हैं. इस पॉइंट को यहां से ज्वाइन अगर हम कर रहे हैं, लेट्स से दिस इज r1 एंड देन लेट्स से दिस इज r2.
पॉजिटिव की वजह से जो पोटेंशियल होगा और नेगेटिव की वजह से जो पोटेंशियल होगा, तो पहले तो पी पे प्लस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो निकाल लेंगे पोटेंशियल, और हम निकालेंगे पी पे माइनस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल है वो। दोनों की नेचर अपोजिट होगी, चार्जेस की नेचर अपोजिट है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल की नेचर भी अपोजिट होगी। अपोजिट होगी तो क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे टू कैलकुलेट वीपी। इस पॉइंट का एग्जैक्ट पोटेंशियल निकालने के लिए हम इसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, इसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेट्स स्टार्ट। वीपी इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है, पोटेंशियल का फॉर्मूला है के क्यू, क्यू क्या है प्लस क्यू, के क्यू अपॉन आर। डिस्टेंस कितनी है आर वन, इस चार्ज और पॉइंट पी के बीच की डिस्टेंस कितनी है आर वन, माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है आर टू। क्लियर, पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाया सिंपली के क्यू अपॉन आर, डिस्टेंस आर वन है और यहां पर डिस्टेंस आर टू है, एंड ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन। अब हमारा टास्क क्या है, आर वन और आर टू की वैल्यूज पुट करना। जैसे एक 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में, लेट्स सपोज ये ए हो और ये आर हो और ये आर वन हो, तो आर वन स्क्वायर कितना हो जाता है आपका, ये हमारा अगर ये 90 डिग्री है दिस इज आर वन दिस इज, तो यहाँ पर आर वन स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, सिंपली ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। अगर थीटा 90 डिग्री है तो, बट यहाँ पर हमारा थीटा 90 डिग्री नहीं है, तो अगर हमारा थीटा 90 डिग्री नहीं है तो यहाँ पर एक एडिशनल टर्म आती है माइनस टू ए आर कॉस थीटा। सीरियस अगेन, यहां पर थीटा 90 डिग्री नहीं है, इसीलिए ये जो डिस्टेंस है ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू ए आर कॉस थीटा है। अगर ये थीटा 90 डिग्री होता तो ये ऐसा ट्राइंगल बन जाता, और अगर थीटा 90 डिग्री होता तो कॉस 90 डिग्री कितना होता है जीरो, तो ये टर्म आपकी वैनिश हो जाती पूरी। तो आपने 90 डिग्री वाले ट्राइंगल के लिए तो ये हमेशा यूज किया है पाइथागोरस थ्योरम में इसको, तो अब इसमें हमने क्या करना है, क्योंकि हमारा थीटा ये जो एंगल है ये थीटा जो है 90 डिग्री नहीं है, तो हमें यहाँ पर ये वाली टर्म को भी कंसीडर करना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट नो कि थीटा क्या है, हम अभी एक जनरलाइज कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आर वन का फॉर्मूला हो गया, सिमिलरली आर टू का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आर टू का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, आर टू स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू ए आर कॉस थीटा, जिसको अभी भी अगर क्लियर नहीं है मैथ सेक्शन में जाके इसको आप क्रॉस चेक कीजिए। अगर किसी ट्राइंगल में थीटा 90 डिग्री नहीं है तो ये एडिशनल टर्म उसके साथ आती है, अगर 90 डिग्री है तो हमें इसको लगाने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज कॉस 90 जीरो हो जाएगा, और ये वाला फॉर्मूला तो हम 10th ऑनवर्ड यूज कर ही रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर सभी में से आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं दूसरा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेट्स से इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, मैं इक्वेशन वन को पहले सॉल्व कर रही हूं, आर वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन ले लिया है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ए कॉस थीटा अपॉन आर, राइट। आर स्क्वायर को कॉमन जब हम ले लेंगे तो ये अंदर का टर्म क्या बचेगा, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन गया तो ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ए कॉस थीटा अपॉन आर। लेट्स अज्यूम दैट डिस्टेंस आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, जो पॉइंट पी है ये डायपोल से काफी दूर है, तो अगर हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं तो दिस टर्म इज अप्रोक्सीमेटली निग्लिजिबल, ये अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगी, तो आर वन स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू वन माइनस टू ए कॉस थीटा अपॉन आर, राइट। फर्दर
हमें वैल्यू किसकी चाहिए, आर की, आर वन की, स्क्वायर की नहीं, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं, टेक अंडर रूट बोथ दी साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, आर वन इक्वल्स टू आर वन माइनस टू ए कॉस थीटा अपॉन आर की पावर वन बाय टू। ठीक है, अब भी हमारे पास वैल्यू जो आई है वो आर वन की आई है और हमें वैल्यू चाहिए वन अपॉन आर वन की, ताकि हम उसको सीधा इधर पुट कर दें, तो हम वन अपॉन आर वन के लिए क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वन अपॉन आर वन इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर और ये जो ब्रैकेट है इसकी पावर कैसी हो जाएगी, माइनस में, ये प्लस में थी, अगर ये उधर जाएगा तो पावर हो जाएगी माइनस में। इसको ओपन करने के लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन जिसको क्लियर नहीं है मैथ सेक्शन में आप देख ले, यहां के लिए आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि हमें पूरे एक्सपेंड नहीं करना है, आगे की टर्म्स हमारे लिए नेग्लिजिबल हो जाएंगी, तो आप सिर्फ इतना याद रख लें कि ये जो पावर है इसको आप यहाँ सेकेंड टर्म्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर वन इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है और एक माइनस का वन बाय टू और आया, तो ये हो जाएगा प्लस वन बाय टू टू ए कॉस थीटा अपॉन आर, टू से टू कैंसिल, तो आपका वन अपॉन आर वन की वैल्यू कितनी आई है, आपके वन अपॉन आर वन की वैल्यू आई है वन अपॉन आर वन प्लस ए कॉस थीटा बाय आर, राइट, ये आपके वन अपॉन आर वन की वैल्यू आई है। सिमिलरली इसमें और इसमें जो आपने अभी पहले फॉर्मूले लिखे हैं सिर्फ साइन का डिफरेंस था, तो अगर सिर्फ साइन का डिफरेंस था तो वन अपॉन आर टू की वैल्यू कितनी आएगी, वन अपॉन आर टू की वैल्यू आएगी वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन माइनस ए कॉस थीटा अपॉन आर। सिर्फ साइन का डिफरेंस था तो साइन का ही डिफरेंस आएगा, अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा। लेट्स पुट दिस वैल्यूज इनटू वीपी, वीपी में अगर हम वैल्यूज पुट करें, के और क्यू दोनों में कॉमन है, टेक इट आउट, अंदर क्या बचा, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, पुट द वैल्यूज ऑफ वन अपॉन आर वन फ्रॉम हेयर एंड वन अपॉन आर टू फ्रॉम हेयर, वीपी इज इक्वल्स टू के क्यू 1 by R, 1 by R वाला टर्म भी दोनों में है तो इसको भी पहले बाहर ही ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 1 plus A cos theta by R minus ये वाला ब्रैकेट, जब आप अंदर वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस का और माइनस माइनस ये वाला टर्म हो जाएगा प्लस का, प्लस 1 कैंसिल्स माइनस 1, A cos theta upon R प्लस ए कॉस थीटा अपॉन आर बिकम्स टू ए कॉस थीटा अपॉन आर, राइट, ये कितना हो जाएगा। अब यहां से एक चीज देखें, लास्ट चैप्टर से रिकॉल कर रहे हैं हम इसको, डाइपोल मोमेंट नाम की एक टर्म हमने पढ़ी थी, हमने ये पढ़ा था कि डाइपोल जो है उसकी पूरी प्रॉपर्टीज को एक सिंगल टर्म से डिनोट किया जा सकता है, विच इज डाइपोल मोमेंट, और जो प्रोडक्ट है क्यू और टू ए का, क्यू और टू ए का, यानी कि टू ए क्यू कैन बी रिटन एज पी, टू ए क्यू इज इक्वल्स टू पी फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर डाइपोल मोमेंट, तो वीपी कितना हो गया, के पी cos theta upon r square। आई होप आपने इतना नोट किया है, इस डेरिवेशन को हम यहां से हटा रहे हैं, इस रिजल्ट को फर्दर यूज करके हम इससे कई सारे कंक्लूजन्स निकालने हैं, लेट्स सी दोस कंक्लूजन्स। पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, फाइनल एक्सप्रेशन पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल इज इक्वल्स टू
के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, राइट। कंक्लूजन्स निकालते हैं इससे। पहला कंक्लूजन, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस और चार्ज इंडिपेंडेंटली बट इट डिपेंड्स ऑन डाइपोल मोमेंट। पोटेंशियल के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, डाइपोल मोमेंट आ रहा है ना, तो आप बोलेंगे वी, डाइपोल की जगह मैं इसको शॉर्ट लिख रही हूं, वी ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल डिपेंड्स ऑन डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल और डिस्टेंस में जो रिलेशन आया था वो डायरेक्टली मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का था, बट यहां पर क्या है, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर फॉर अ डाइपोल। एक पॉइंट चार्ज के लिए क्या था, वी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर था, और डाइपोल के लिए वी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तीसरा, दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज वी ड्यू टू डाइपोल कैन बी रिटन एज, ये तो कॉन्स्टेंट है इसका तो कुछ नहीं कर सकते, पी डॉट किसके साथ डॉट करें, दूसरा तो कोई यहां पर नंबर है ही नहीं, तो डायरेक्शन करते हैं, डायरेक्शन क्या होगी आर की, डायरेक्शन को कैसे लिखते हैं, आर कैप से लिखते हैं ना, तो आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं के पी डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। तीन कंक्लूजन यहां से इंपॉर्टेंट है, कंक्लूड करते हैं, एक डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसमें दोनों चार्जेस का कंट्रीब्यूशन रहेगा, प्लस वाले का भी रहेगा माइनस वाले का भी रहेगा, हमने उसको कैलकुलेट किया, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, इसीलिए दोनों के कैलकुलेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट किया, जो फाइनल रिजल्ट आया वो ये आया। फाइनल रिजल्ट में जो टर्म आ रही थी वो आ रही थी 2a और q का जो मल्टीप्लीकेशन है, उसे हमने चैप्टर वन में पढ़ा है कि उसे हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट। तो आपका ये जो फॉर्मूला आया इससे हमने तीन चीजें कंक्लूड की, पहली चीज कि पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल जो है ये डिस्टेंस बिटवीन डायपोल और चार्जेस पे इंडिविजुअली डिपेंड नहीं करता है बल्कि ये डिपेंड करता है डायपोल मोमेंट पे। दूसरी चीज, जब हमने पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा था तो वो ऐसा आ रहा था, बिकॉज उसका फॉर्मूला था के क्यू अपॉन आर, वी वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, बट हेयर वी इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर स्क्वायर। थर्ड चीज कि हम इसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केपी डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, राइट। दिस कंप्लीट्स अवर टॉपिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। नाउ पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, जैसे वहां पर हमने फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले हमने फोर्स पढ़ा था एक पॉइंट चार्ज की वजह से, फिर हमने फोर्स पढ़ा बहुत सारे पॉइंट चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा एक पॉइंट चार्ज की वजह से, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा बहुत सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से, तो उसी तरीके से पोटेंशियल भी तो एक से ज्यादा चार्जेस की वजह से हो सकता है, तो उसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ चार्जेस, जहां एक से ज्यादा चार्ज होंगे, लेट से दिस इज क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर एंड सो ऑन, दिस इज द पॉइंट पी, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल होगा, उसको हम नाम दे देते हैं V1, पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ by R, तो ये हो गया KQ1 upon, ये डिस्टेंस आप अगर R1 लेते हैं तो दिस R1, अगर इस डिस्टेंस को आप R2 ले रहे हैं तो V2 कितना हो जाएगा KQ2 upon R2, तीसरे वाले चार्ज की वजह से KQ3 upon R3 एंड के क्यू फोर अपॉन आर फोर एंड सो ऑन, तो इस पॉइंट पे जो टोटल पोटेंशियल होगा वो इंडिविजुअली हर चार्ज के पोटेंशियल का सम होगा, तो वी टोटल, टोटल पोटेंशियल का अगर हमें फॉर्मूला लिखना है तो कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर देते हैं, वी टोटल या वी एट पॉइंट पी इज इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी फोर एंड सो ऑन अप टू वी एन,
वी पी इज इक्वल्स टू के क्यू वन अपॉन आर वन प्लस के क्यू टू अपॉन आर टू प्लस के क्यू थ्री अपॉन आर थ्री एंड सो ऑन के क्यू एन अपॉन आर एन. लेट्स टेक कॉमन वी पी इज इक्वल्स टू के क्यू वन अपॉन आर वन प्लस क्यू टू अपॉन आर टू एंड सो ऑन. इसको हम समेशन के साइन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं. समेशन क्यू आई अपॉन आर आई वेयर आई इज इक्वल्स टू वन टू इनफाइनाइट. जितने भी चार्जेस हों उन सब की वजह से पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल होगा वो इंडिविजुअल पोटेंशियल का सम होगा. दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, राइट. तो आज के लेक्चर में हमने जो भी किया है उसको समराइज करते हैं. सबसे पहले आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको इलेक्ट्रोस्टेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका पॉइंट चार्ज के केस में क्या फॉर्मूला है, डाइपोल के केस में क्या फॉर्मूला है, वो हमने डिराइव किया है. एंड देन अगर एक सिस्टम ऑफ चार्जेस हो तो पोटेंशियल क्या होता है उसको डिराइव किया है, राइट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.